लंदन में हुई इस वारदात के बारे में जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिन भर दिन दुनिया भर में औरतों के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ये समझना मुश्किल हो रहा है कि इन अपराधों पर रोक कैसे लगाएं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार लंदन में एक 28 साल की टीचर की पब जाते वक्त एक शख्स ने रास्ते में हथौड़ा मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। सबीना नेसा नाम की ये लोकप्रिय प्राइमरी स्कूल टीचर को लंदन के एक पार्क में मृत पाया गया। सबीना शुक्रवार को रात करीब 8:30 बजे कैटफोर्ड में अपने घर से डेट पर जाने के लिए 5 मिनट की पैदल दूरी पर निकली थी, लेकिन वो कभी पब पहुंची ही नहीं। डिटेक्टिव्स ने इस मामले में कहा कि सबीना को एक भारी हथियार से मारा गया था। महिला के कातिल को CCTV में कैद कर लिया गया था, जो उसे कैटर पार्क की ओर अपने कंधे पर ले जाने से पहले उसके सर पर किसी औजार से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वारदात के बाद लंदन में लोगों के दिलों में खौफ भर गया है और औरतों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ऐसा लंदन में पहली बार नहीं हुआ जब किसी मासूम औरत ने अपनी जान इस तरह गंवाई हो। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध शहर में काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और चिंता का एक गहरा विषय भी बनते जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि सबीना की हत्या के संदेह में एक 38 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।